लंदन में मैं अपने फादर के साथ यहाँ बहुत जा चुकी हूँ, तो एक्साइटेड हूँ कि यहाँ बॉम्बे में आ गए हैं. उम्मीद है उनको एक दिन यहाँ ले आऊँगी. बट आई थिंक दैट द ब्रांड इज द सेम, सो आई थिंक दैट आई एम होपिंग दैट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड कॉफ़ी विल बी द सेम. लाइक माई फादर लाइक्स दिस कॉफी विद अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क. मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो मेरे लिए मतलब द टेस्ट ऑफ दोज बीन्स इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. हाँ जी, अभी तक अंदर जा नहीं पाई हूँ, लेकिन पर्सनली मतलब कॉफ़ी इज़ माई फेवरेट थिंग एवर. आई लव कॉफ़ी. तो जैसे ही ये हमारी बातचीत ख़त्म होगी तो मैं अंदर जाके कॉफ़ी पीऊँगी. लंदन में मैं अपने फादर के साथ यहाँ बहुत जा चुकी हूँ, तो एक्साइटेड हूँ कि यहाँ बॉम्बे में आ गए हैं. उम्मीद है उनको एक दिन यहाँ ले आऊँगी. बहुत ज़्यादा लंदन में मैं जाती हूँ, कोई ज़्यादा पहचानता नहीं है. मैं कॉफ़ी लेके निकल जाती हूँ. यहाँ कॉफ़ी लेने से पहले ही ये सब हो रही है, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट तो है. बट आई थिंक दैट द ब्रांड इज़ द सेम, सो आई थिंक दैट आई एम होपिंग दैट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड कॉफ़ी विल बी द सेम, एंड इट्स यू नो इट विल बी फन आई थिंक. बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. ऑनेस्टली अगर आप कॉफ़ी पसंद करते हैं तो आपको बस वो एक कॉफ़ी बीन्स का एक फ्लेवर होता है, एक टेक्सचर होता है, एक टेस्ट होता है, आपको वो ही मतलब आप समझ लेते हो. यू नो इट्स नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्वीट कॉफ़ी, लाइक इट्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉफ़ी. और लंदन में लाइक आई सेड लाइक माई फादर लाइक्स दिस कॉफ़ी विद अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क. मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो मेरे लिए मतलब द टेस्ट ऑफ दोज बीन्स इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है. ऑर्गेनिक ब्रेड है, हाँ जी हाँ जी. इंडियंस की बात नहीं है, मुझे लगता है दैट जनरल अवेयरनेस ऑफ डाइट, लाइफस्टाइल, फिटनेस इज जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. इट्स नॉट एन इंडियन थिंग, आई थिंक इट्स अ ग्लोबल थिंग. इट्स अ फिटनेस थिंग, इट्स अ ह्यूमन थिंग. तो या ऑफकोर्स आई थिंक दैट वट एवर इज ऑर्गेनिक इज गुड फॉर यू, सो It'll be fun. Thank you. Okay, thank you.